नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है, FZS। तो दोस्तों, इसमें जो है इसका क्लच प्लेट जो है पूरी तरह से जो है जल गया। तो दोस्तों, हमने इसको खोला है और जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरी तरह से जो है क्लच प्लेट एकदम जल गया है इसका। तो दोस्तों, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इसमें कैसे लगाना है हम खोल चुके हैं, तो इसमें कैसे लगाना है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, इसलिए कि इसमें क्लच प्लेट दो तरह का आता है। एक पूरे चमकदार रहता है, एक में हल्का हल्का कालापन रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो है क्लच प्लेट जो है हल्का 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 कालापन इसमें है। ये जो इसमें जो है ज़्यादा कालापन रहेगा और सॉफ्ट रहेगा ये, जो कि अंदर की तरफ लगेगा, जिसमें कि दुगो है अब जो देख रहे हैं इसमें। और दोस्तों, यह जो है बीच में लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा लाइटिंग है, चमकदार है, तो यह जो है कि बीच में रहेगा और यह जो है अंदर की तरफ, जैसे कि देख रहे हैं इसको अंदर की तरफ डाल लेना है, जिसमें ज़्यादा कालापन, हल्का हल्का ज़्यादा कालापन होगा इसमें आपका, इसको अंदर की तरफ डाल लेना है। इसके बाद देख रहे हैं कि जैसे प्रेशर प्लेट है, तो इस प्रेशर प्लेट को जो है जिधर ऊंचा रहेगा उसको अंदर की तरफ डालना है, जिधर प्लेन रहेगा उसको बाहर की तरफ रखना है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सीख रहे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि यह अब इसको जो है इसके बीच में डालना है और फिर जो है प्रेशर प्लेट को जो है ठीक उसी तरह से जो प्लेन वाला भाग है उसको बाहर की तरफ रखना है। फिर दोस्तों, जो साथ जो ज़्यादा चमकदार है उसको फिर बीच में रखना है। और इसके बाद जो देख रहे हैं जैसे कि यह जो है आपका प्लेन वाला है, तो प्लेन वाला को जो है अंदर की तरफ जो है बाहर की तरफ रखना प्लेन वाला को। और दोस्तों, लास्ट में जो बचेगा जो काला वाला जो क्लच प्लेट है हल्का हल्का, इसमें सोपनेट भी होगा और काला काला भी होगा, तो दोस्तों इसको बाहर की तरफ रखना। और दोस्तों, जो गुल्ली देख रहे हैं एक बड़ा सा गुल्ली लगता है, इसको आपको जो है यहाँ आपको इसमें गुल्ली को जो है डाल लेना है, क्योंकि गुल्ली गिर गया था इसलिए इसको गुल्ली को जो है आपको इसमें डाल लेना है। इसके बाद जो है सेंटर जो देख रहे हैं आप, इसको ऊपर से आपको जो है इसमें बैठा लेना है। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से जो है कि आपको जो है क्लच प्लेट लगाना है, जो हल्का हल्का कालापन रहेगा उसको बाहर दोनों तरफ साइड में देना है, जो व्हाइट वाला ज़्यादा रहेगा उसको दोनों को बीच में देना है। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप लग गया, तो इसके बाद दोस्तों आपको जो है अब ये जो है स्प्रिंग, स्प्रिंग को किसी भी तरह से आप जो है अंदर बाहर किधर से भी आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप सब जो है बोल्ट को टाइट करना है बराबर बराबर से चारों बोल्ट को। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं चारों जो बोल्ट है हमने बराबर से इसको टाइट कर दिया। तो दोस्तों, अब जो इसका फिटिंग हुआ है इसको फिटिंग हो गया, पर दोस्तों अब हमको क्लच मिलाना है ऊपर से जो है क्लच जो है आपका जो देख रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों, अब हमको जो है यह जो देख रहे हैं आप नट, इसको जो है खोलना है। इसको खोलने के बाद जो है आप जो इसमें देख रहे हैं एक स्क्रू टाइप का लगा हुआ है इसमें, तो बोल्ट को हमको धीरे धीरे इसको पहले जो है हल्का हल्का टाइट कर देना बराबर पे। यहाँ से दोस्तों हल्का हल्का जो है आप टाइट करेंगे
तब जो है क्लच का यहाँ जो है क्लच टाइट होगा यहाँ। तो जितना आपको चाहिए जो है कि उतना आप जो है इसको टाइट करके मिला सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो नट है इसको आपको टाइट कर देना है। दोस्तों जब इस नट की फिटिंग हो जाए, आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको जो है वहाँ पर हल्का सा टाइट करना है, जाके सटे और रुक जाए वहाँ पे, वहीं तक टाइट करना है। इसके बाद फिर नट को टाइट कर देना, फिर आप क्लच ऊपर से दाब करके, लीवर को दाब करके इसको घुमाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा फ्री घूम रहा है, तो इसी तरह से आपको फ्री घूमना चाहिए। अब दोस्तों जो है आप ऊपर में पल्ला जो है फिटिंग कर ही सकते हैं अगर खोले हैं तो। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो या जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें।